हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके सेक्शन 190 से सेक्शन 196 के बारे में आज बात करेंगे। इसका सेक्शन 190 कहता है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा और कब लिया जाएगा। तो पहली बात आती है इसमें कि रिसीविंग ए कंप्लेंट, अगर कोई व्यक्ति किसी घटना से प्रताड़ित है और उसकी रिपोर्ट पुलिस के द्वारा नहीं लिखी गई, तो वो अपनी कंप्लेंट लिख करके डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास में दे सकता है और मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेगा। किसमें? 190 सब क्लास 1, क्या मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान ले लेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर पुलिस ने रिपोर्ट लिखा है और पुलिस ने इंक्वायरी करने के बाद में अपनी पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने भेजी, तब मजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेगा। थर्ड बात आती है कि पुलिस से अदर कोई पर्सन अगर किसी कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करता है या मजिस्ट्रेट को स्वयं उस बात का संज्ञान आता है कि ऐसी घटना कारित करी गई है, तो वह स्वयं ही उसका कॉग्निजेंस लेने का हकदार है। तो ये तीन बातें सेक्शन 190 में बताई गई कि पहली बात है कि कोई रिटन कंप्लेंट दे, दूसरी बात है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में अपनी पुलिस रिपोर्ट दे, और तीसरी मजिस्ट्रेट स्वयं संज्ञान ले सकता है। ऐसी तीन बातें सेक्शन 190 में बताई गई। सेक्शन 191 कहता है ट्रांसफर एंड एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड। अगर कोई व्यक्ति को इंफॉर्मेशन देने पर उसका कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट स्वयं के उस पर ले लेता है, स्वयं कॉग्निजेंस ले लेता है किसी घटना पर, तो वह पहले कॉग्निजेंस लेने से पहले वह कोई घटना में कॉग्निजेंस लेने से पहले उस व्यक्ति को एक नोटिस भेजेगा, और उस नोटिस के तहत वह व्यक्ति ये अधिकार रखता है कि उस मजिस्ट्रेट से वह इन्वेस्टिगेशन कराएगा या नहीं कराएगा। उस अगर कोई रिटन उसको कंप्लेंट देता है या एप्लीकेशन देता है कि ये इससे कहीं पर अदर मजिस्ट्रेट के पास में ट्रांसफर कर दिया जाए इसके इन्वेस्टिगेशन को, तो मजिस्ट्रेट उसको संज्ञान लेने के लिए किसी अदर मजिस्ट्रेट को, जो समकक्ष मजिस्ट्रेट होगा, उसको वो ट्रांसफर करेगा कंप्लेंट को। तो ये इसमें सेक्शन 191 में बताया गया कि जो सब क्लास सी था सेक्शन 190 का, कि मजिस्ट्रेट ने स्वयं किसी कंप्लेंट को फाइल किया, कंप्लेंट को रिटर्न किया और उसका संज्ञान लेने के पहले उसको नोटिस भेजेगा क्यों ना उसका संज्ञान लिया जाए, तो उसके लिए वह स्वयं या अगर उसका जो अक्यूज्ड है वो एप्लीकेशन देता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ट्रांसफर करके अदर मजिस्ट्रेट से उसका संज्ञान लेने के लिए वो कर सकता है। अब सेक्शन 192 कहता है मेकिंग ओवर ए केसेस टू मजिस्ट्रेट, सीजीएम टेकिंग कॉग्निजेंस देन ट्रांसफर टू सबॉर्डिनेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बिहाफ ऑफ द सीजीएम After taking cognizance transfer to the complaint magistrate, magistrate का CGM क्या करता है कि CGM अगर किसी complaint को complaint में या police report में या स्वयं में अगर कोई cognizance लेता है, तो वह अपने subordinate जो उसके साथ में magistrate हैं, जो उनके अंदर में हैं, उनको किसी को उसको cognizance लेने के लिए investigation करने के लिए उसको transfer करने का power रखता है सेक्शन 192 में। अब सेक्शन 193 में आता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन कब कॉग्निजेंस लेगा किसी परिवाद का? नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंसेस। किसी ऑफेंसेस का जो सेशन जज है, सेशन कोर्ट है, वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती जब तक कि एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय ए मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड।
जब तक कि इस प्रोविजन के तहत कि कोई भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए उसको ट्रांसफर नहीं करेगा। अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी केस को ले करके उसको कॉग्निजेंस लेने के लिए ट्रांसफर करता है तभी वो कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्देश पर ही वो ले सकता है, डायरेक्ट वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। अब सेक्शन 194 की बात आता है कि एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जजेस टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू देम। अब क्या एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज ये कॉग्निजेंस कैसे लेंगे? इनको लेने के लिए या तो सेशन जज उसको रिकमेंड करेगा या ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको रिकमेंड करेगा, तभी वो उसका कॉग्निजेंस लेंगे, अदरवाइज उसका कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। ये सेक्शन 194 में कहा गया। सेक्शन 195 कहता है प्रोसिक्यूशन फॉर कंप्लेंट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस। अब इसमें कहा गया कि इसमें कब कौन क्या करेगा, तो सेक्शन 172 सेक्शन 100 आईपीसी के सेक्शन 172 से सेक्शन 188 सेक्शन कितने 172 से सेक्शन 188 तक बाय रिटन कंप्लेंट लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी लॉफुल अथॉरिटी अगर इस सेक्शन में 172 से 788 के बीच में है तो वो रिटन कंप्लेंट से कर सकता है। अब सेक्शन अदर में क्या आता है कि 193 से 196 193 से 196 199 200 205 211 एंड 228 ये बाय रिटन कंप्लेंट के द्वारा किए जा सकते हैं। तो इसमें इन सेक्शन के तहत पहले पब्लिक सर्वेंट के द्वारा और दूसरा एनी अदर पर्सन के द्वारा रिटन कंप्लेंट के द्वारा किए जा सकते हैं। ये सिंपल था सर सेक्शन 195 में। अब सेक्शन 195 ए की बात आती है प्रोसीडर फॉर विटनेसेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग एक्सेट्रा। अगर कोई विटनेसेस है, गवाह है, उसको कोई धमकी देता है या और कोई उसकी प्रताड़ना करता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 195 ए उसके लिए सुरक्षा करता है कि इसमें वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। सेक्शन 195 ए में अगर कोई विटनेसेस को धमकी देता है, उसको कोई प्रताड़ित करता है या और किसी प्रकार का उस पर कोई भी चीज आती है तो उसके लिए वो 195 ए में कंप्लेंट कर सकता है। अब बात आती है सेक्शन 196 की, तो प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट एंड फॉर सेंट्रल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंसेस। अगर कोई ऐसे ऑफेंस घटित होते हैं जो नीचे दिए गए, ऐसे ऑफेंस कोई घटित होते हैं तो वो कैसे किए जाएंगे और किसके परमिशन से किए जाएंगे, तो जो चैप्टर 6 इसमें चैप्टर 6 के सेक्शन 153 ए सेक्शन 295 ए एंड सेक्शन 505 फर्स्ट सब क्लास फर्स्ट, अगर इन सेक्शंस के तहत कोई भी ऑफेंस कोई भी घटना घटित होती है, कौन से सेक्शन 153 ए 295 ए एंड 505 का सब क्लास 1, इन धाराओं के तहत आईपीसी की इन धाराओं के तहत अगर कोई घटना घटित होती है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन से ही उसको फाइल किया जाएगा। अगर 108 ए तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से, अगर स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन से ही उसको फाइल किया जा सकता है, डायरेक्ट उसको फाइल नहीं कर सकते विदाउट परमिशन के। अब उसमें आ जाता है सेक्शन 153 बी सेक्शन 105 सब क्लास 2 सेक्शन 105 सब क्लास 3, इनमें क्या हुआ एंड सेक्शन 120 बी इनमें बाय द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट जज, या तो सेशन जज या
स्टेट गवर्नमेंट जो है राज्य सरकार उसको परमिशन दे, तभी इन धाराओं के तहत जो भी ऑफेंसेस हुए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उनकी हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। और अगर सेक्शन 195 के रूल जहां पर अप्लाई होंगे, किसके 194, अगर 195 के रूल यहां अप्लाई होंगे वहां पर कोई परमिशन की जरूरत नहीं होगी। जैसे 195 अभी हमने डिस्कस किया, 172 से 178 तक थे, और 193 से 196, 299 और 200, 205 से 211 और 228, इनमें कंप्लेंट में परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात इनमें से क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर 6 के कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन की आवश्यकता होती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन की आवश्यकता के बिना इन धाराओं में जो भी ऑफेंस घटित किए गए उनकी हम कंप्लेंट फाइल करेंगे तभी जब उनकी परमिशन होगी। और अगर 195 के रूल अप्लाई हो रहे हैं तो वहां पर कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो बहुत सिंपल सेक्शन थे ये। इस सेक्शन में अभी हम 197 से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, 190 से 196 तक क्लियर हो गए होंगे इस सीआरपीसी की सेक्शंस की हम कैसे कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेगा, और मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस अगर कोई स्वयं लेता है तो उसको लेटर भेजेगा, लेटर भेजने के बाद अगर वो ट्रांसफर कराना चाहता है तो ट्रांसफर कराएगा अदर मजिस्ट्रेट, अदरवाइज वो सेल्फ कॉग्निजेंस लेगा और पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेगा। उसके बाद में बात आती है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको ट्रांसफर कर सकता अपने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट के पास में, और सेशन कोर्ट का तभी कॉग्निजेंस लेगा जब मजिस्ट्रेट उसको ट्रांसफर करेगा या ऑनरेबल हाई कोर्ट का डायरेक्शन होगा। असिस्टेंट और एडिशनल सेशन जज कब लेंगे, जब सेशन जज उसको परमिट करेगा या हाई कोर्ट उसको परमिट करेगा तभी वो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे परमिशन कॉग्निजेंस। इसके बाद में सेक्शन, इन सेक्शन में विदाउट परमिशन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं पब्लिक सर्वेंट में। 195 में अगर कोई विटनेसेस है, उसको कोई धमका रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके लिए कंप्लेंट फाइल करने का है। और सेक्शन 196 में कुछ सेक्शंस दिए गए हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट जज के परमिशन से ही उसमें हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब बात सेक्शन 197 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।